स्टूडेंट्स, इसमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। पहले इसको कैंसिल करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेगा, तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, और उस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, है ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे इतना आएगा, इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको भी यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसको यहाँ ले आएंगे और फिर इसको यहाँ ले आएंगे। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे, तो इसके लिए इसमें माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो माइनस फोर एक्स यहाँ पर लिखेंगे और उस माइनस फोर एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, फिर उस माइनस फोर एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म है, इसको माइनस करेंगे इतना आएगा, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। जो भी टर्म्स बचा हुआ है वो सबको यहाँ पर ले आएंगे। अब देखो, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बाकी जो टर्म्स है उसको एज इट इज यहाँ पर ले आएंगे। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो इसके इक्वल करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना से मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, तो उस 8 माइनस के को यहाँ पर लिखेंगे, फिर उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। अब 8 माइनस के से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो मल्टीप्लाई कर लिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना इतना आएगा, फिर उस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना आएगा। अब माइनस के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, है ना, फिर माइनस के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। 8 माइनस के से इसमें कर लिया था, अब 8 माइनस के से इसमें और इसमें करना था, तो 8 से दोनों में कर लेंगे, फिर माइनस के से दोनों में कर लेंगे, तो 8 माइनस के से इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये लाइक टर्म है, दोनों को माइनस करेंगे इतना आएगा, फिर ये और ये लाइक टर्म है, दोनों को माइनस करेंगे इतना आएगा, फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे और फिर इसको यहाँ ले आएंगे, है ना। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा। अब देखो, रिमाइंडर इतना आया, बट रिमाइंडर दिया हुआ है x प्लस a, तो दोनों रिमाइंडर को इक्वल करें। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर है ना, इतना ये क्या है, रिमाइंडर, फिर ये भी रिमाइंडर है जो कि दिया हुआ है, तो दोनों रिमाइंडर को यहाँ पर मैंने इक्वल किया। अब हम दोनों तरफ लाइक पावर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो ये और ये लाइक पावर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट इतना है, तो लाइक पावर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, है ना,
तो ये किसके इक्वल होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के इक्वल होगा। अब 9 उस साइड जाएगा, उस साइड शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, के कितना आता है 5। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है और इस तरफ ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर के का वैल्यू कितना आया है 5, तो के की जगह 5 रख देंगे, यहाँ भी के की जगह 5 रख देंगे, ये 25 आएगा, ये -40 10, इस दोनों को प्लस करेंगे 35 आएगा, -40 इज इक्वल टू ए, तो ए कितना आएगा -5। ओके, थैंक यू।